सीधा चांद घर पे लेके आ गया मैं। तुम्हें इतना करोड़ों का घर लेने के लिए बस इतना सा करना था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं दोबारा। ये गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं सब लोग? कैसे सब लोग पूछ लो। आज हम आए फैज भाई के पास दोबारा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। 42 दिन बिताने के बाद मुझे शर्म नहीं आई मैं दोबारा मिलने आ गया इससे, और मेरे को भी शर्म नहीं, इसको मैं बुला लिया। तो आज मैं बताता हूँ तुम्हें क्या सीन है। फैज देख रहे होंगे। हाँ, तो फैज भाई ने खरीदा है नया घर। ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाली फैज भाई ने खरीद ली पूरी। अरे बाजू वाली अंबानी की है ना? ये अंबानी की है। हाँ। एंटीलिया थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराई है तो थोड़ा एक्सटीरियर चेंज हो गया, बाकी ये वाली बिल्डिंग फैज की है पूरी। नहीं वैसे जोक्स अपार्ट, फैज ने नया घर लिया है, ठीक है, और तुम देख ही सकते हो कहाँ लिया भाई, ये देखो। तो भाई हाउस टूर, लेट्स गो। पहले सोसाइटी टूर मैं तुमको दिखाता हूँ, पहले हमारी सोसाइटी के बारे में। हाँ, ये पूल, ये एक तो दिख गया मुझे, ये तो सिर्फ देख दिखावा है, छलावा है, नहा तो सकते नहीं है इसमें। क्यों नहीं नहा सकते? आजा चल जा रहा हूं। गाइस ये स्विमिंग पूल सिर्फ वैसे ही है दिखाने के लिए, शौक। ये बच्चे लोगों का है, एक प्राइवेट भी है। अच्छा प्राइवेट भी है, जकूजी वहाँ लेके चलो। जकूजी नहीं है, जकूजी नहीं है। देखो हम टेम्पटेशन आइलैंड वाले, हमें जकूजी की ज्यादा आदत है। हमें जकूजी में ज्यादा मजा आता है, यू नो, क्योंकि पब्लिक मजे ले चुकी है जकूजी में। अब तुम लोगों को तो पता ही है टेम्पटेशन आइलैंड और जकूजी का कितना गहरा रिश्ता बन चुका है। कमेंट कर देना एक बार। दिस इज कैफेटेरिया। अच्छा दिस इज कैफेटेरिया, ओ माय गॉड, अमीर बातचीत कैफेटेरिया भी भाई। अगर तुम्हारी कभी कुछ बात पक्की होती है कोई लड़की से तो बैंक्वेट है। अच्छा बैंक्वेट शादी के लिए? शादी के लिए। अच्छा ओ माय गॉड, बिल्डिंग के अंदर ही बैंक्वेट है, दिखा भाई, जा सकते हैं? नो एंट्री विदाउट एक्सिस कार्ड। एक्सिस का कार्ड तो नहीं मेरे? कार्ड किधर है? अबे एक्सिस कार्ड होता है, एक्सिस बैंक, एक्सिस नहीं होता, स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। मेरी बिल्डिंग के नाम बदनाम कर रहा है। हेलो भाई बैंक्वेट आ गए। तो अगर नेम बन करता तो 1500 लोग आते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे मेरा बर्थडे किया, ठीक है, फैमिली को बुलाया, सब कर लूंगा मैं, शादी करने के लिए रेडी हूं, पर बंदी तो दिलवाओ। ये क्या है भाई, अगेन नो एंट्री विदाउट एक्सेस, एक्सिस बैंक कार्ड। एक्सिस कार्ड ला रहा हूं, भूल गया बच्चों का खेलने के लिए, ग्राउंड दिख रहा है क्या? थोड़ा अंदर डाल इसको। हां दिख गया। ये बच्चों का, ये बच्चों लोगों का। फिर तेरे बच्चे होंगे तो यहां पहले क्या? मेरे बच्चे हो तो गए। ये क्लब क्लब भी क्या है भाई, एमिनिटीज तो, खर्चा भी तो इतना ही हुआ है। फिर मैं अभी मैं दिखा दूं तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम। लो भाई शुक्रिया बिना एक्सेस कार्ड के देगा अभी यहां पैसा है? नहीं मिलता नहीं है। अच्छा ऐसा सीन है क्या? हाय महंगी बातचीत भाई। मैं और वाह, दिस इज कैफेटेरिया ब्रदर, दिस इज कैफेटेरिया। ओके भाई साहब अब समझ में आया पैसे किस चीज़ के होते हैं यहाँ बॉम्बे में। अच्छा ओ है तो कुछ अब दिखाई दे रहा है पैसे किस चीज़ के हैं भाई। अच्छा दिस इज द लाइब्रेरी। ओके मैं रियल एस्टेट एजेंट लग रहा हूँ, जैसे बेचने निकला हूँ घर खुद ही। अच्छा पढ़ी है कभी जिंदगी में? मैं बुक रीड्स नहीं करता हूँ। देखो वैसे गाइस एक तो फैक्ट है, अगर ये पढ़ता तो ये घर लेने में पता नहीं उसको कितना टाइम लग जाता। बट ग्रेट स्टोरी फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन, ये तेरे लिए काम आएगा आगे। बट भाई पढ़ा नहीं है तभी आज घर ले पाया। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ी बिल्डिंग ले लेता। अरे नहीं ऐसा नहीं है, डॉली डॉली चाय वाला तुम्हें गाइस पता ही चल गया होगा, डॉली चाय वाला मोदी सबकी इंजीनियरिंग की डिग्री पे। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं दिखा सकते, वॉशरूम है ये, अबे शौचालय है भाई ये। अब देखो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई को पता नहीं चल रहा है। इंडोर पूल, ओ इंदौर लो भाई, प्राइवेट स्विमिंग पूल, यू डोंट नो अबाउट बिग पीपल। अच्छा ये हमारे गांव में भी ऐसा प्राइवेट स्विमिंग पूल, सेम वेदर गाय प्राइवेट स्विमिंग पूल। तूने किया था क्या स्विमिंग? मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
अच्छा टाइम नहीं है। हाँ मेहनत भी तो बहुत करनी होती है ना। गाइस थिएटर खुलवा रहे हैं स्पेशली। तो गाइस आज मेरे पास बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है सारे एडवेंचर लवर्स के लिए। तो क्या तुम लोग एड्रेनलिन रश के लिए तैयार हो? तो तुम लोगों को मेरे फ्रेंड की वेबसाइट वन विन पे जाना है या फिर वो ऐप डाउनलोड करना है और मेरा फेवरेट गेम लकी जेट सेलेक्ट करना है। लकी जेट में तुम एक डेयरिंग पायलट हो जो अपना बोनस ग्राब करता है उसके उड़ने से पहले, लेकिन इस गेम में तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्विक और प्रिसाइज होना पड़ेगा। मैं तुमसे शेयर करूंगा एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इस गेम को खेलने का और मैं बेट करूंगा 2000 रुपए 1.5 के कोएफिशिएंट पे एंड बस राउंड के स्टार्ट होने का वेट करूंगा। तो गाइस राउंड स्टार्ट हो चुका है और पायलट टेक ऑफ कर चुका है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जीत लिया ये राउंड एंड मैं सेकंड राउंड में भी सेम चीज रिपीट करूंगा। 2000 रुपए डालूंगा और 1.5 के कोएफिशिएंट पे डालूंगा। तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने ये राउंड भी जीत लिया है। लकी जेट बस एक गेम नहीं है, ये एक एड्रेनलिन रश है हर रिवॉर्ड को अपने पास लेने का। तो मैं अब एक कन्वीनियंट विड्रॉल मेथड चूज करूंगा अपने लिए। तो गाइस एज यू कैन सी मेरी विनिंग्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। सो गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा लकी जेट खेलने का एंड उसमें मेरा प्रोमो कोड यूज करके तुम्हें और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो डू चेक इट आउट। ले फिर इंदौर पहुंच गए हम। इंदौर गेम्स लो भाई यहां तुम कैरम। तू पार्टी में कैरम, तू कैरम कहां खेलने की सोच रहे? ये रात तो कैरम है। सोचो इसको उठा के पार्टी में डालो। बंदा जितना मर्जी पैसे कमा ले, जितनी मर्जी बड़ी सोच हो जाए, फिर वही है। ये सोच रहे पार्टी में उठा के ले जाए। मैं तो कह रहा हूं ये टीटी टेबल भी उठा ले, ये थोड़ा बड़ा हो जाए। अच्छा ये उठा सकते क्या? दिखा लो भाई चेस खेलने का भी है, चेस भी खेल सकता है। हाँ बट अगेन उस चीज के लिए दिमाग चाहिए तो वो इसके किसी काम का नहीं है। ओह जिम इस हाउ आर यू? लो भाई ये मेरा छोटा सा जिम है। ठीक है इस जिम जिम जिस जगह से मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी तक, बट मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। परफेक्ट और बड़ा हो सकता है। यही दिमाग नहीं है यार इनमें, वही तो फैज को बुलाते हैं, पूरा आर्किटेक्ट कर देता हूँ अच्छे से। कितना स्पेस छोड़ दिया है ना, टेरेस नाम की तो चीज होती नहीं दुनिया में। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे लोधा वाले, है ना? जो तुम्हारी नीड की चीजें है ना वो सारी बिल्डिंग में ही है। तुम अगर बाहर जा रहे हो तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, अपने फन के लिए जा रहे हो। ओके प्राइवेट कोर्ट लो भाई, प्राइवेट कोर्ट छोटा सा। हेल्थ केयर भाई स्टीम बात के लिए और ये चेंजिंग रूम। बस बस पूरी क्या वो स्टाफ भी दिखाएगा। मैं एक्चुअली वो हूँ रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो मैं अपने और ब्रोकर ब्रोकर वहाँ ब्रोकर हूँ तो बेच रहा हूँ मैं। फैज का पर्सनल थिएटर जिसमें हम 15 सेकंड की रील देखेंगे फैज की। ओके इसमें मेरी वीडियो चलवा देना फैज, एक दिन प्रीमियर करवा दे मेरी वीडियो। अरे भाई ये ज़्यादा बड़ी टुंटियाँ नहीं है ये बात। चल देखो मैं चेस खिलाता हूँ। तेरी लाइफ में तूने कभी चेस ऐसा खेला नहीं होगा। क्या बात कर रहा है। ओह नाइस ये बात। एक बात है फैज, चेस चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए खेला फिर भी ये दिमाग से ही जाता है। मैं पैर से खेल रहा हूँ क्या? अभी तुम्हें बताऊँ माइंड में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जुड़े रहना मेरे साथ अगर तुम्हें जानना हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, ये देखो कहां से कहां पहुंच गया बंदा। देख सब तुम लड़की लोगों को फोन लेते हो तो अरे मेरे भाई थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई चारों ऑन टॉप यहां लगा लो अभी से। चलो गाइस ये है फैज की बिल्डिंग, अब चलते हैं अंदर। मेन बात मैंने अपना घर ये विंग में क्यों लिया? हाँ आप गेस करो क्योंकि मेरा नाम आता है एफ से फैज। चलो कमेंट सेक्शन में बोल देना कुछ, मैं कुछ नहीं कह रहा। बता दो जरूरी है कमेंट सेक्शन में। ये देखो
अंदर घुसते लॉबी, ओहो हो हो फैज ये भी ना उतार के घर ले जा, ये उतार के घर लगा लेते हैं। एक पे मैं अपनी गाड़ी में लगा लेता हूँ, एक गाड़ी में लगा लेते हैं ना, लट्टू की बहुत जरूरत है वहाँ। सही कह रहा है, एक बटन दबाएंगे तीनों लिफ्ट पे, मैसेज चला जाता है तो जो सबसे पहले रहेगी वो सबसे पहले आएगी। ओह माय गॉड, बोल दे जो भी बोलना है। ये देखिए गाइस, मैंने मेरा घर इसलिए लिया हूँ कि मम्मी का नाम यहाँ लगे। नहीं भाई अच्छी चीज है, ओलो ग्रैंड एंट्री भाई, अंदर घुसते ही मिरर ताकि आने वाले को अपनी शक्ल और औकात दोनों दिख जाए। लो घुसते ही वाह, लो भाई एक और मिरर फिर से कि हमें अपनी औकात दिख जाए कि हम कुछ नहीं है। डबल डबल देखते हैं ये, चाहे अगर मान ले फैज इंग्लिश मूवी देख रहा है तो मूवी इसमें चलेगी, सब टाइटल्स उसमें चलेंगे। वेरी नाइस, क्या बात है, ऐसा हो सकता है, ये काम सिर्फ फैज कर सकता है। और हाँ ये भी जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है गाइस। और ये तुम्हें व्यू दिख जाएगा यहाँ से, ओ गॉड भाई व्यू एक नंबर है, नाइस। उसके बाद अरे टीवी का वो तो दिखाते आगे पीछे कैसे होते हैं, टीवी को कैसे मालूम है, हाँ कभी आपको थोड़ा नजदीक चाहिए, हाँ या किसी गलत अलग एंगल पे चाहिए, गलत नहीं अलग एंगल पे कि भाई इस साइड हो, ये देखो सिस्टम है फैज का, हल्के में ले रहे हो क्या तुम, बस अब क्या गोद में रख के देखेगा, इतना बहुत है भाई, हाँ भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट फैज का चांद। अच्छा पहले पहले भाई इस फ्रिज में बंदा फिट हो जाए, मेरे से चार हो जाए, मेरे सही कह रहे मेरे से चार हो जाए। ये किस चीज की बोतल रखी है भाई तूने, हाँ सोडा, इतना इतना पीता तू ये, मैं नहीं पीता ब्रो, तो दावत थी ना यहाँ पे, अच्छा दावत थी उसके लिए है इतना जीरा, यहाँ मैं सोया था, यहाँ कल मेरी लास्ट पड़ी थी, ये देखो लास्ट तुम समझ ही जाओगे, वैसे मैं बॉम्बे आया हूँ तो मेरी जिंदगी आज भी इस पे कटती है, गला खराब खांसी सब कुछ भाई, बस तेरे को थोड़ा सा एस्थेटिक चेंज करने की जरूरत है, ये हटा दे ये वाला, तो भाई सूखना पड़ेगा ना, बाहर आप कपड़े डाल नहीं सकते, अच्छा फ्लोर ऊपर है ना तो बाहर डालने के लिए, मतलब बाहर कपड़े डाल सकते हैं बट एक ही बार डालेंगे उस जिंदगी में, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं, देखो कैसे पता है अब मैं तो सबसे अलग हूँ तो मेरा रूम भी तो सबसे अलग हो रहा है, हाँ है तो सबसे अलग ही। ईद का चांद, चांद घर पे भाई, ये चांद ना ये पीओपी है, ये वो नहीं है, मतलब ये पोस्टर वगैरह नहीं है, पीओपी है एक्चुअली, ये देखो ये पीओपी बनाई है भाई ने, बहुत ये बहुत क्रिएटिव माइंड लगाया इसने, ये मेरा आइडिया था पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे इसका दिमाग चल गया बट ये बहुत अच्छी चीज बनाई है सही में, बहुत यूनिक है ये, ये भाई फैज का रूम है एंड ये अगेन, हाँ आप सोचोगे ये मिरर है अगेन बट ये मिरर नहीं है, छलावा ये वॉशरूम है। और ये फिर से एक और मिरर हमारी औकात देखने के लिए। भाई कपड़े इतने, सबसे ज्यादा बैग थे टेम्पटेशन आइलैंड में भी, हाँ तो वो इसलिए ही थे देख लो, है ना शक्ल पता नहीं फिर वैसी रहती है, चेंज नहीं होती साली। वही तो अच्छी है। वही तो अच्छी है भाई कसम, अबे इतने कपड़े अभी तो और है। दुकान खोली हुई है भाई पूरी, क्या करता क्या इतने कपड़ों का, अच्छा वो ट्रांजिशन वीडियो ए भाई ट्रांजिशन की जरूरत, वो भी जरूरी है, घर देखने के बाद कुछ कहने लायक बचा नहीं हो, इस साले ने पैसे बहुत लगा दिए तो अब कुछ भी कह लो कोई फायदा नहीं है, ठीक है तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ और ये बढ़ने वाले बढ़ गए भाई, वैसे सीरियस नोट जो लोग वो करते थे ना कि क्या कहते हैं ट्रोल करते हैं कुछ भी करते हैं, मैं तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ उनसे, उखाड़ के लिए
यार ऑन अ सीरियस नोट है, मतलब पैसे कमाने वाले पैसे कमा गए, ठीक है, छापने वाले छाप गए। और तुम सही में, मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी ऐसे मेरे सर्कल में जितने भी हैं और मैं भी, एक ओल्ड हाउस टूर जरूर देंगे कि अभी ये इसका पहला घर है जो इसने, पहला नहीं तूने तो बहुत खरीद लिया छोटे 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 छोटे, बट जो जिसमें शिफ्ट हुआ है ना, जिसने अपनी मॉम को गिफ्ट किया सबसे अच्छा जो अभी तक है वो ये खरीदा है। एंड एज एज क्या भाई तेरी? 25 का है। अच्छी बात है ना ब्रो, स्टार्ट हुआ है और अभी जस्ट, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इतना बड़ा घर लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना था, ठीक है, तुम्हें अब एक दिन तुम्हें ये करना था बस। पास हो गया, ग्रेट। और गुड न्यूज गलत है, ये करना था बस तुम्हें, तुम्हें इतना करोड़ों का घर लेने के लिए बस इतना सा करना था। शर्म कर लो, इतना भी नहीं कर पाए तुम भाई। हर किसी की किस्मत नहीं होती ना। दो शब्द, एक और ये थी और एक और थी, बस हो गया। तुम्हें इतना करना था बस यार। अरे ट्रांजिशन भी अच्छा हुआ है लेकिन ना, देख ये नहीं कर पाए तुम, बस इतना सा करना था तुम्हें बॉम्बे जैसे शहर में और करोड़ों का घर लेना, नॉट अ जोक, सपना पूरा हो गया अपना भाई। और सबसे बड़ी बात है कि इसने घर एक्चुअली अपनी मॉम के नाम पे लिया और मॉम को गिफ्ट किया है एक किस्म से, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब बटन तोड़ दो भाई के, और इसको पहले।